तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम में रामजी जुड़ने के साथ ही उनकी प्रतिमा का भगवाकरण भी शुरू हो गया है। बदायूं जिले के कुंवर गांव में दुर्गैया स्थित गांव में शुक्रवार की रात तोड़ी गई डॉक्टर अम्बेडकर की नई प्रतिमा नीले रंग की जगह भगवा रंग में लगाई गई। रविवार को समाज के लोगों और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में इस भगवा प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब यह पहला मौका है जब बाबा साहेब की प्रतिमा नीले की जगह भगवा रंग में नजर आई। बाबा साहेब के भगवा रंग की प्रतिमा को देखकर लोग हैरान हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रतिमा के रंग पर अब तक ना तो बीएसपी के लोगों ने कोई आपत्ति जताई है और ना ही बाबा साहेब के अन्य अनुयायियों ने। दरअसल पिछले दिनों दुर्गैया गांव में बाबा साहेब की प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया था। इसके बाद माहौल बिगड़ता देख जिला प्रशासन ने आनन फानन में आगरा से अम्बेडकर की नई मूर्ति मंगवाई। रविवार को ग्रामीणों के बीच इस नई मूर्ति का अनावरण किया गया। तो भगवा रंग वाली मूर्ति बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लगाई गई है। बदायूं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही इस मूर्ति को खंडित कर दिया गया था, इस मूर्ति को तोड़ दिया गया था और उसके बाद अब जो मूर्ति लगाई गई है वो नीले रंग की बजाय भगवा रंग की है। हालांकि बड़ी बात यह है कि अभी तक बीएसपी के किसी नुमाइंदे की या फिर बाबा साहेब के किसी अनुयायी की कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है।